हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैक्नोटेक यूट्यूब चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है स्प्रिंग। ठीक है, पर्टिकुलर ये सेशन में मैं पूरा स्प्रिंग का चैप्टर कवर करने वाला हूँ, जैसे कि इंट्रोडक्शन, टाइप ऑफ स्प्रिंग, स्ट्रेसिस ऑन स्प्रिंग, मतलब कि पूरा डिज़ाइन ऑफ स्प्रिंग, ये सब मैं कवर करने वाला हूँ। ठीक है, सो पूरा चैप्टर आप देखिएगा। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डेफिनेशन। सो सबसे पहले स्प्रिंग जो है वो इलास्टिक बॉडी है। एज यू नो द इलास्टिक मीन्स कि जब उस पर लोड लगता है तो वो डिस्टॉर्ट होती है, मतलब कि वो डिफॉर्म होती है। ठीक है, एंड जब हम लोड रिमूव करते हैं तो वो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाती है। यहाँ पे डिस्टॉर्ट होने का मतलब क्या है फ्रेंड्स, कि वो जो शॉक रहता है, जो लोड रहता है, उसको वो एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, तो स्प्रिंग का बेसिक काम क्या है कि लोड को एब्जॉर्ब करना, एंड जब लोड रिमूव हो जाए तो ओरिजिनल पोजिशन में आना। अब फ्रेंड्स, एप्लीकेशन ऑफ स्प्रिंग में, जैसे कि आपको पता है बहुत सारी जगह हमने स्प्रिंग देखी है, तो जैसे कि यहाँ पे मैं बता दूँ थोड़ा बहुत। सो जहाँ पे वाइब्रेशंस रहते हैं, ठीक है, जैसे कि कार स्प्रिंग्स, रेलवे बफर्स, एयरक्राफ्ट शॉक एब्जॉर्बर एंड वाइब्रेशन डैम्पर्स, सॉरी। सो बहुत सारी ब्रेक, क्लच, ठीक है, स्प्रिंग लोडेड वाल्व जो है वहाँ पे रहता है, टॉयज, वॉचेस, ठीक है, और जहाँ पे हम जो इंजन इंडिकेटर में हम जो फोर्स मेजर करते हैं, तो इसीलिए भी हमें स्प्रिंग बैलेंस चाहिए। ठीक है, सो इस तरह से, और कैम फॉलोवर में जो फॉलोवर है उसकी पोजीशन लाने के लिए हमें उसमें स्प्रिंग अप्लाई करना पड़ता है। सो बहुत सारी प्रैक्टिकल हम एग्जाम्पल्स हैं स्प्रिंग के बारे में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग के टाइप्स कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले हेलिकल स्प्रिंग, तो आप देख सकते हो यहाँ पे दो टाइप के हेलिकल स्प्रिंग है। तो यहाँ पे जो वर्ड लिखा है कंप्रेशन हेलिकल स्प्रिंग, मतलब कि जब आप यहाँ से लोड को अप्लाई करते हो तो ये क्या होता है, ये कंप्रेस होता है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखोगे तो इसके बीच में कोई गैप नहीं है। ठीक है, ये पूरा का पूरा सॉलिड पोर्शन है। ठीक है, अब यहाँ पे हम कंप्रेशन यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ से उसको टेंशन देते हैं। ठीक है, और ये स्प्रिंग जो है उसके बीच में गैप हो जाती है। ठीक है, सो इसीलिए यहाँ पे कंप्रेशन हेलिकल स्प्रिंग एंड टेंशन हेलिकल स्प्रिंग यहाँ पे बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है कॉनिकल एंड वॉलेट स्प्रिंग। फ्रेंड्स, ये जो स्प्रिंग है ना दोनों, वो बेसिकली बहुत सारी जगह यूज होती है, और हम जनरली ये स्प्रिंग ज़्यादा देखते हैं। ठीक है, कंप्रेशन हेलिकल स्प्रिंग जो है वो बहुत सारी जगह हम देखते हैं। ठीक है, ये स्प्रिंग हमने बहुत कम देखी होगी, लेकिन इसकी भी एप्लीकेशंस बहुत सारी जगह है। सो कॉनिकल एंड वॉल्यूट स्प्रिंग, तो यहाँ पे देख सकते हो आप टेलीस्कोपिक लाइक जैसा लग रहा है। ठीक है, सो सबसे पहले यहाँ पे कम होता है डायमीटर, जैसे यहाँ पे डायमीटर बढ़ता जाता है। ठीक है, ऐसा क्यों करता है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो स्प्रिंग रेट होता है, ठीक है, यहाँ पे जब लोड लग रहा होता है तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर जो इनिशियल जो स्प्रिंग्स हैं, इनिशियल जो टर्न्स हैं, वहाँ पे स्प्रिंग रेट कम होता है, और जो उसके बाद में यहाँ पे जो आएगा, जैसे जैसे यहाँ पे लोड बढ़ता जाएगा तो ये बाद में इसका फंक्शन आएगा, तो यहाँ पे स्प्रिंग रेट हाई होता जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे अगर लोड लग रहा है समझ लो, तो यहाँ पे ये इसका डिफॉर्मेशन जल्दी होगा, लेकिन जैसे जैसे नीचे जाएगा तो उसका डिफॉर्मेशन हार्ड हो जाएगा, मतलब ज़्यादा लोड पर कम डिफॉर्मेशन होगा, आप समझ सकते हो फ्रेंड्स। ठीक है, सो ये बेसिकली उसके लिए यूज़ होती है। उसके बाद टॉर्सनल स्प्रिंग, यहाँ पे स्पेशल ये बेंडिंग यहाँ पे लोड लग रहा है, और जब हम यहाँ पे लोड अप्लाई करते हैं तो ये बेंडिंग लोड मोस्टली यहाँ पे यूज़ रहता है। ठीक है, इसका, और आपने शायद देखा होगा जब हम कपड़े सुखाते हैं तो जो चिपिया रहता है, ठीक है, तो उसमें हम टॉर्सनल स्प्रिंग यूज़ करते हैं। ठीक है, और उसमें यहाँ पे टॉर्सनल स्ट्रेस भी यहाँ पे अप्लाई होता है। ठीक है, ओके, उसके बाद जो है वो है लेमिनेटेड और लिप स्प्रिंग। ये स्प्रिंग आपने बहुत सारी जगह देखी होगी, जैसे कि ट्रक्स है, जो हैवी लोडेड व्हीकल है, ठीक है, जहाँ पे हेलिकल स्प्रिंग की कैपेसिटी निकल जाती है, मतलब वो कम हो जाती है, उससे भी ज़्यादा कैपेसिटी हमें चाहिए, देन वी हैव टू यूज़ द लिप स्प्रिंग। ओके, देन डिस्क और बेलेवाइल स्प्रिंग्स, तो जैसे कि इस यहाँ पे जो नाम है डिस्क, यहाँ पे बहुत सारी डिस्क रहती है, ठीक है, और वो एक दूसरे के साथ बोल्ट से जुड़ी हुई रहती है। ठीक है, सेंट्रल बोल्ट रहता है, उससे जुड़ी हुई रहती है, और इसकी जो एप्लीकेशन कहाँ पे है,
तो उसकी एप्लीकेशन जो है वो हाई रेट ऑफ जहाँ पे स्प्रिंग रेट हाई चाहिए वहाँ पे ये डिस्क हम यूज़ करते हैं, डिस्क या तो बेले वाले स्प्रिंग। देन स्पेशल पर्पस स्प्रिंग भी जनरली आती है, ठीक है। सो दिस इज़ अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्प्रिंग। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें तो प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल फॉर हेलिकल स्प्रिंग, हम यहाँ पे हेलिकल स्प्रिंग और उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट सेशन होगा वो है लिप स्प्रिंग का। इस सेशन में मैं पूरा हेलिकल स्प्रिंग के बारे में बात करूँगा, ठीक है। सो हेलिकल स्प्रिंग है उसकी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, तो सबसे पहले है तो है हाई फटीग स्ट्रेंथ, ठीक है, फटीग स्ट्रेंथ, ठीक है। सडनली कहीं पे लोड अप्लाई होता है, दैट इज कॉल्ड द फटीग लोड। ओके, तो वो लोड को सस्टेन करने के लिए जो प्रॉपर्टी चाहिए दैट इज कॉल्ड द फटीग स्ट्रेंथ। देन डक्टिलिटी, डक्टिलिटी सबको पता है, ठीक है। देन रेजिलियंस, पर्टिकुलरली जो लोड एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, सो इट्स हैविंग अ हाई लोड एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी। देन क्रीप रेजिस्टेंस, क्रीप यानी कि हाई टेम्परेचर एंड कंटिन्यूस जो स्ट्रेस अप्लाई करते हैं पर्टिकुलर हाई टेम्परेचर में, दैट इज कॉल्ड द क्रीप। ओके, सो क्रीप रेजिस्टेंस उसका अच्छा होना चाहिए। और जनरली जो स्प्रिंग रहती है वो यहाँ पे सीवियर सर्विस, एवरेज सर्विस एंड लाइट सर्विस, ये तीनों के लिए यूज़ होती है। तो सीवियर सर्विस क्या है, तो यहाँ पे जो थोड़ा बहुत मैंने बताया है, सीवियर सर्विस मतलब कि जो मिनिमम से मैक्सिमम लोड जो है उसकी रेंज ज़्यादा रहती है, दैट इज़ कॉल्ड सीवियर सर्विस, ठीक है। और जो जो उसमें स्ट्रेस रहता है वो 1/2 और मे बी लेस रहता है इन ऑटोमोटिव वाल्व स्प्रिंग। और एवरेज सर्विस जो है, तो एवरेज सर्विस का मतलब क्या है, उसमें स्ट्रेस तो ऑलमोस्ट सेम रहता है लेकिन वो यूज़ होता है जैसे ऑटोमोटिव सस्पेंशन स्प्रिंग एंड इंजन गवर्नर स्प्रिंग्स, ठीक है। सो दैट इज़ कॉल्ड द एवरेज सर्विस। देन लाइट सर्विस, सो इट इज़ यहाँ पे लोड है जो बहुत ही इनफ्रिक्वेंटली चेंज होता रहता है, जैसे कि सेफ्टी वाल्व है, ठीक है, तो उसमें लोड बहुत ज्यादा, मतलब वो लाइट सर्विस के लिए यूज़ होता है, ठीक है। सो जनरली जो स्प्रिंग रहती है वो ऑयल टेम्पर्ड कार्बन स्टील वायर की रहती है और उसमें 0.6 to 0.7% कार्बन रहता है एंड 0.6 to 1% मैंगनीज रहता है फ्रेंड्स। उसके बाद उसमें नॉन फेरस मटेरियल भी हम ऐड कर सकते हैं अगर उसका कुछ फटिग रेजिस्टेंस हमें इंक्रीज करना हो। फॉर इंक्रीज द फटिग रेजिस्टेंस वी कैन ऐड नॉन फेरस मटेरियल लाइक फॉस्फरस ब्रॉन्ज, बेरिलियम कॉपर, मोनेल मेटल्स एंड ब्रास एट्सेट्रा, ठीक है। सो टेम्परेचर रेजिस्टेंस एंड कोरोजन रेजिस्टेंस के लिए इंक्रीज करने के लिए भी हम ये ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये टेबल दिया गया है जिसमें मतलब कार्बन स्टील है, ठीक है, तो उसके लिए उसका जो अलाउबल शियर स्ट्रेस है वो कितना होना चाहिए, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी कितनी होनी चाहिए एंड मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कितनी होनी चाहिए, उसकी रेंज दी हुई है, ठीक है। उसके बाद ये भी एक स्टैंडर्ड टेबल दिया हुआ है कि डायमीटर कितना होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बेसिक टर्म्स की बात करते हैं। सो स्प्रिंग में जो बेसिक टर्म्स है उसमें सबसे पहले है सॉलिड लेंथ, सॉलिड लेंथ। ओके, तो फ्रेंड्स सॉलिड लेंथ हम किसे बोलेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कंप्रेस्ड सॉलिड, ठीक है। तो उसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो दो कॉइल है उसके बीच में जगह नहीं है, ठीक है। सो ये पूरा का पूरा जो है वो सॉलिड है। तो सॉलिड लेंथ ऑफ द स्प्रिंग एल एस इज इक्वल टू एंड एस। एंड एस क्या है, टोटल नंबर ऑफ कॉइल, यहाँ पे जितनी नंबर ऑफ कॉइल है वो टोटल नंबर ऑफ कॉइल एंड द डायामीटर ऑफ द वायर, ठीक है, डायामीटर ऑफ द वायर, ये वायर का जो डायामीटर है वो। सो दैट इज द सॉलिड लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। सो व्हेन द कंप्रेशन स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड, ठीक है, ये पूरी की पूरी अगर कंप्रेस्ड है अंटिल द कॉयल कम इन कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर, यहाँ पे हमने कंप्रेशन किया जैसे लोड इंक्रीज करते गए, यहाँ पे पूरा का पूरा यहाँ पे कंप्रेस्ड कर दिया है हमने, ठीक है। तो व्हेन इट्स कम टू कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर देन द स्प्रिंग इज सेड टू बी सॉलिड। ओके, सो दिस इज द सॉलिड लेंथ। नाउ सेकेंड इज फ्री लेंथ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो फ्री लेंथ है, ठीक है, तो फ्री लेंथ में यहाँ पे बीच में जगह है, ठीक है। सो उस फ्री लेंथ इज अ फ्री लेंथ ऑफ अ कंप्रेशन स्प्रिंग इज अ लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इन अ फ्री और अनलोडेड कंडीशन, मतलब कि यहाँ पे अभी कोई लोड हम नहीं दे रहे हैं, ठीक है। अनलोडेड कंडीशन में जो लेंथ रहेगी दैट इज कॉल्ड द फ्री लेंथ। सो फ्री लेंथ इज इक्वल टू सॉलिड लेंथ, ठीक है, प्लस
मैक्सिमम कंप्रेशन, यहाँ पे आप देख सकते हो मैक्सिमम कंप्रेशन डेल्टा यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन हमें कंसिडर करना है डेल्टा, दैट इज कॉल्ड द मैक्सिमम कंप्रेशन. सो सॉलिड लेंथ प्लस मैक्सिमम कंप्रेशन प्लस क्लियरेंस बिटवीन एडजेसेंट कॉइल, ठीक है, और क्लैश अलाउंसेस, मतलब कि यहाँ पे दोनों, वंस इट इज कंप्रेस उसके बाद भी जो यहाँ पे क्लियरेंस रहेगा वो हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा. सो यहाँ पे क्लियरेंस बिटवीन द एडजेसेंट कॉइल, सो सॉलिड लेंथ हमें पता है एंड एस डी प्लस डेल्टा मैक्सिमम, मैक्सिमम कंप्रेशन यहाँ पे डेल्टा मैक्स, देन 0.15 डेल्टा मैक्स, दैट इज एज्यूम दैट क्लियरेंस बिटवीन एडजेसेंट कॉइल. या तो फ्री लेंथ को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, एंड एस डी प्लस डेल्टा मैक्स प्लस एंड एस माइनस वन इंटू वन एम एम, जो क्लियरेंस रहेगा वो हम 1 mm लेंगे और जो एंड एस है वो क्या है, एंड एस इज अ टोटल नंबर ऑफ कॉइल, ठीक है. सो इस तरह से हम फ्री लेंथ को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, पहले था सॉलिड लेंथ उसके बाद था फ्री लेंथ. देन थर्ड इज स्प्रिंग इंडेक्स. तो स्प्रिंग इंडेक्स में फ्रेंड्स सी इज इक्वल टू कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, मतलब कि मेन डायामीटर ऑफ द कॉइल, जो कॉइल है उसका मेन डायामीटर यहाँ पे जो है उसका मेन डायामीटर हम कंसिडर करेंगे, ना तो आउटर साइड ना तो इनर साइड, मेन डायामीटर अपॉन डायामीटर ऑफ द वायर, जो कॉइल का डायामीटर है उसको उस, ठीक है, स्मॉल डी. सो स्प्रिंग इंडेक्स इज इक्वल टू कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी. नाउ स्प्रिंग रेट, मतलब कि स्टिफनेस, या तो हम बोलेंगे स्प्रिंग कांस्टेंट के, मतलब लोड अपॉन डिफ्लेक्शन, जैसे आप लोड अप्लाई करते हो और जो डिफ्लेक्शन होता है स्प्रिंग का उसको हम बोलेंगे स्प्रिंग रेट, ठीक है, डब्ल्यू अपॉन डेल्टा. उसके बाद पिच, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो पिच यहाँ पे दी हुई है, ठीक है, जो एडजेसेंट कॉइल यहाँ पे सपोज मैंने सेंटर में लिया और एडजेसेंट कॉइल में सेंटर का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड द पिच, ठीक है, यहाँ पे लिखा होगा द पिच ऑफ द कॉइल इज डिफाइंड एज द एक्सियल डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट कॉइल इन अनकंप्रेस्ड स्टेट, ठीक है, यहाँ पे कंप्रेस नहीं होना चाहिए, ठीक है. सो पी इज इक्वल टू फ्री लेंथ अपॉन एंड एस माइनस वन. सो दिस इज ऑल अबाउट द टर्म यूज्ड इन अ कंप्रेशन स्प्रिंग. ओके, सॉलिड लेंथ, फ्री लेंथ, स्प्रिंग इंडेक्स, स्प्रिंग रेट एंड पिच. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रेसेस इन हेलिकल स्प्रिंग ऑफ सर्कुलर वायर. सो जैसे कि फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख रहे हो, जैसे कि हम लोड यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे दो स्ट्रेस लगने वाले हैं, एक तो है टॉर्सनल शियर स्ट्रेस, जैसे कि यहाँ पे ट्विस्टिंग मोमेंट होगा, ठीक है, सो यहाँ पे टॉर्सनल शियर स्ट्रेस लगेगा और दूसरा जो लगेगा वो लगेगा डायरेक्ट शियर स्ट्रेस. तो फ्रेंड्स ये दोनों स्ट्रेस यहाँ पे हेलिकल स्प्रिंग में लगते हैं. तो सबसे पहले जो है टॉर्सनल शियर स्ट्रेस, तो फ्रेंड्स अगर आपने डिजाइन ऑफ शाफ्ट पढ़ा हो, ठीक है, फंडामेंटल ऑफ मशीन डिजाइन में, तो उसमें हमने इक्वेशन डिराइव किया था टॉर्सनल शियर स्ट्रेस का, ठीक है, तो वो था पाई बाय 16 टाउ डी क्यूब. ओके, टॉर्क टी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ टॉर्क टी इज इक्वल टू पाई बाय 16 टाउ डी क्यूब. यहाँ पे जो टाउ है दैट इज द टॉर्सनल शियर स्ट्रेस और टी इज इक्वल टू डब्ल्यू लोड इन टू रेडियस यानी कि डी बाय 2, इस तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक है. सो बेसिकली टी वन के फॉर्म में अगर हम लिखें तो 8 यानी कि ये 16 ऊपर आएगा तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, 8 डब्ल्यू डी अपॉन पाई डी क्यूब. सो हमारा ये पहला इक्वेशन है टी वन टॉर्सनल शियर स्ट्रेस, टी वन इज इक्वल टू 8 डब्ल्यू डी अपॉन पाई डी क्यूब. दूसरा जो लगेगा डायरेक्ट शियर स्ट्रेस यानी कि लोड अपॉन एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो लोड जो है डब्ल्यू एंड एरिया जो है वो कॉइल का एरिया जो है पाई बाय 4 डी स्क्वायर, ठीक है, यानी कि 4 डब्ल्यू अपॉन पाई डी स्क्वायर. तो ये दोनों लोड लगने वाले हैं. और तीसरा जो है स्ट्रेस ड्यू टू द कर्वेचर ऑफ वायर, ठीक है, तो यहाँ पे टॉर्सनल शियर स्ट्रेस एंड डायरेक्ट शियर स्ट्रेस की बात की है, ठीक है. टॉर्सनल शियर स्ट्रेस जो लगेगा वो यहाँ पे 0 होगा और एंड में मैक्सिमम होगा, ठीक है, और जो डायरेक्ट शियर स्ट्रेस लगेगा वो कंटिन्यूस सेम होगा, ठीक है, थ्रू आउट द डायामीटर. तो ये मेन दोनों है टॉर्सनल एंड डायरेक्ट शियर स्ट्रेस. अगर हम रिजल्टेंट स्ट्रेस ले, ठीक है, ये दोनों का अगर रिजल्टेंट स्ट्रेस ले तो टी वन प्लस और माइनस टी टू, लेकिन माइनस लेने का यहाँ पे कोई सवाल नहीं है. सो टी वन इज इक्वल टू 8 डब्ल्यू डी अपॉन पाई डी क्यूब
plus 4w upon pi d square. So positive sign is used for the inner edge of the wire and negative sign used for the outer edge of the wire. तो हमें यहाँ पे inner edge consider करनी है. So positive sign हम यहाँ पे लेंगे. So 8wd upon pi d cube common निकल जाएगा and bracket में होगा 1 plus d upon 2d. ठीक है. और यहाँ पे c जो है, आपने यहाँ पे जो स्प्रिंग इंडेक्स अगर देखा हो C, ठीक है, कैपिटल D अपॉन स्मॉल D, तो वो यहाँ पे अगर हम अप्लाई करेंगे, ठीक है, कैपिटल D अपॉन स्मॉल D, तो यहाँ पे 2C आ जाएगा. तो बेसिकली ये जो इक्वेशन बनता है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इंड्यूस इन द वायर 8WD अपॉन पाई डी क्यूब ब्रैकेट 1 प्लस 1 अपॉन 2C. और ये जो है 8WD अपॉन पाई डी क्यूब, उसको हम बोलेंगे KS, दैट इज द शियर स्ट्रेस फैक्टर. सॉरी, 1 प्लस 1 अपॉन 2C जो है उसको हम बोलेंगे KS. ठीक है. सो KS इज द शियर स्ट्रेस फैक्टर, 1 प्लस 1 अपॉन 2C. जो दूसरा, जो इन ऑर्डर टू कंसीडर द इफेक्ट ऑफ द बोथ डायरेक्ट स्ट्रेस एज वेल एज कर्वेचर ऑफ द वायर, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था कर्वेचर ऑफ द वायर, ठीक है, जो थर्ड स्ट्रेस था, ठीक है, पहला तो था टॉर्शनल, दूसरा था डायरेक्ट, एंड तीसरा जो था ड्यू टू कर्वेचर ऑफ द वायर. तो अब हम उसकी बात करने वाले हैं. सो कर्वेचर ऑफ द वायर, ड्यू टू कर्वेचर, यहाँ पे वर्ल्ड स्ट्रेस फैक्टर यहाँ पे इंट्रोड्यूस होगा. ठीक है. तो वर्ल्ड स्ट्रेस फैक्टर जो है के, हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे, टाउ इज इक्वल टू के 8WD अपॉन पाई डी क्यूब. तो यहाँ पे जो था वो के एस था, 8WD अपॉन पाई डी क्यूब, और यहाँ पे के हम अप्लाई कर रहे हैं. ठीक है. और के जो है वर्ल्ड स्ट्रेस फैक्टर, ठीक है, तो वो है 4C माइनस 1 अपॉन 4C माइनस 4 प्लस 0.615 अपॉन C. ये प्री स्टैंडर्ड है, एज्यूम है, एजम्पशन लेना है. ठीक है. और C आपको पता है, ठीक है, स्प्रिंग इंडेक्स कैपिटल D अपॉन स्मॉल D. सो इस तरह से पूरा जो है यहाँ पे K, ठीक है, इज इक्वल टू के एस इंटू के सी. ये जो है के सी हम इसको कंसिडर करेंगे. सो बेसिकली जो स्प्रिंग इंडेक्स जैसे जैसे बढ़ेगा, वैसे वैसे यहाँ पे स्ट्रेस फैक्टर के जो है वो कम होता जाएगा. स्प्रिंग इंडेक्स यहाँ पे जैसे जैसे बढ़ेगा, आप यहाँ पे भी देख सकते हो, स्प्रिंग इंडेक्स जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे उसका जो स्ट्रेस फैक्टर है वो कम होता जाएगा. ठीक है. उसके बाद डिफ्लेक्शन ऑफ द हेलिकल स्प्रिंग ऑफ सर्क्यूलर वायर. ठीक है. तो सर्क्यूलर वायर में जो डिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, तो एक्सियल डिफ्लेक्शन हमें यहाँ पे फाइंड करना है. तो एक्सियल डिफ्लेक्शन डेल्टा इज इक्वल टू थीटा इंटू डी बाई टू. ठीक है. और हमें यहाँ पे थीटा फाइंड आउट करना है. ठीक है. सो बेसिकली सबसे पहले जो है वो है लेंथ ऑफ द कॉइल. ठीक है. सो लेंथ जो है पूरी कॉइल जो है, ठीक है, उसकी लेंथ क्या होगी, तो लेंथ ऑफ द वन कॉइल इंटू नंबर ऑफ एक्टिव कॉइल, यानी उसका जो सरकमफरेंस होगा वो होगा पाई डी इंटू टोटल नंबर ऑफ एक्टिव कॉइल. सो पाई डी एन, दैट इज द लेंथ ऑफ द कॉइल, एक्टिव लेंथ. ठीक है. उसके बाद थीटा जो है वो है एंगुलर डिफ्लेक्शन ऑफ द वायर व्हेन द एक्टेड अपॉन बाय द टॉर्क टी. तो यहाँ पे जो है थीटा हमें फाइंड करना है. तो थीटा हमें कैसे मिलेगा, तो ये हमारा इक्वेशन है. ठीक है. ट्विस्टिंग मोमेंट का टी बाय जे टाउ अपॉन आर सी थीटा, या तो जी थीटा अपॉन एल. तो जी क्या है, जी जो है वो है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी. ओके, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी. देन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू टी इंटू एल, एल यहाँ पे आ जाएगा, अपॉन जे इंटू जी, जी यहाँ पे आ जाएगा. सो टी इंटू एल अपॉन जे इंटू जी. ठीक है. सो यहाँ पे मुझे फाइंड करना है ये बेसिकली थीटा. तो यहाँ पे थीटा कैसे फाइंड करते हैं, तो टी इज इक्वल टू, वी नो दैट W इंटू डी बाय टू, आगे भी हमने ये यूज किया था, T इज इक्वल टू W इंटू डी बाय टू. लेंथ जो है वो है पाई डी एन. J जो है पॉलर मोमेंट ऑफ इनर्सिया, J है पॉलर मोमेंट ऑफ इनर्सिया, पाई बाय 32 इंटू डी रेस टू 4. एंड G जो है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी. ठीक है. अगर इसको हम देखें तो वो होगा 16WD स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे 2 निकल जाएगा, 2 और यहाँ पे 16 हो जाएगा. तो 16WD स्क्वायर इंटू एन अपॉन जी डी रेस टू 4. तो ये जो है थीटा जो हमें मिला वो हम डेल्टा, जो हमने आगे इक्वेशन देखा था, डेल्टा इज इक्वल टू थीटा इंटू डी बाई टू. तो यहाँ पे थीटा हम रख देते हैं. ठीक है. सो डेल्टा इज इक्वल टू थीटा इंटू डी बाई टू, तो थीटा यहाँ पे रख देंगे. तो यहाँ पे जो ये इक्वेशन को सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स, तो डेल्टा इज इक्वल टू 8W
सी क्यूब, अब सी क्यूब क्यों रखा है, कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, ठीक है, तो यहाँ पे क्यूब है लेकिन यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे जी इंटू डी हो जाएगा, ठीक है, सो 8wc³ इंटू एन अपॉन जी डी, ठीक है, तो ये हमें डेल्टा मिला। और ओके, अब जो स्प्रिंग रेट है वो क्या है, डब्ल्यू लोड अपॉन डिफ्लेक्शन, ठीक है, सो लोड अपॉन डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू जी डी रेस टू 4 अपॉन 8d³ एन, या तो जी डी अपॉन 8c³ एन, ठीक है। तो ये बेसिकली स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग या तो स्प्रिंग रेट का इक्वेशन हमें यहाँ पे मिलता है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे एसेंट्रिक लोडिंग ऑफ द स्प्रिंग दिया है, ठीक है। सो व्हाट इज द एसेंट्रिक लोडिंग, तो सबको पता है कि एसेंट्रिक मतलब व्हाट, कि यहाँ पे जो लोड लग रहा है स्प्रिंग का वो सेंटर में नहीं लग रहा, जैसे कि यहाँ पे हमने क्या देखा था, सेंटर में लग रहा है। अगर ये लोड जो है वो कुछ ऑफसेट पे लग रहा होता है, सेंटर पे नहीं लेकिन उसके कुछ ऑफसेट डिस्टेंस पे लग रहा है, देन इट इज कॉल्ड दी ऑफसेट, ओके। सो एसेंट्रिकली लोडिंग ऑफ द स्प्रिंग, एसेंट्रिक लोडिंग, तो अगर ऑफसेट में लग रहा है एक्सियल लोड, तो यहाँ पे हम जितना डिस्टेंस होगा वो यहाँ पे हम लेंगे ई, ठीक है। उसके बाद बकलिंग ऑफ दी कंप्रेशन स्प्रिंग, मतलब कि बकलिंग अकर्स व्हेन, बकलिंग कब होगा, ठीक है, आपने बीम्स एंड कॉलम्स में अगर देखा हो बकलिंग, अगर जो लेंथ ज़्यादा है कंपेयर टू डायामीटर, देन उसमें बकलिंग होता है, ठीक है, शाफ्ट में। सो बकलिंग जो है, अगर यहाँ पे फ्री लेंथ जो है वो 4d, मतलब 4 टाइम डायामीटर, ठीक है, उससे ज़्यादा रहती है, ठीक है, तो यहाँ पे बकलिंग होने का चांसेस है। देन क्रिटिकल एक्सियल लोड, अगर ये सिचुएशन है तो क्रिपलिंग लोड या तो क्रिटिकल लोड कितना होगा, सो इट शुड बी इक्वल टू के इंटू के बी इंटू एल एफ, तो के क्या है, स्प्रिंग रेट डब्ल्यू अपॉन डेल्टा जो हमने डिस्कस किया, देन के बी इज द बकलिंग फैक्टर, ठीक है, वो एक टेबल में दिया होगा, बकलिंग फैक्टर एल एफ अपॉन डी एंड फ्री लेंथ, ठीक है, सो क्रिपलिंग लोड इज इक्वल टू के बी इंटू एल एफ, ओके। एंड दिस इज द फिगर फॉर बकलिंग, कि अगर बकलिंग होता है, अगर ज़्यादा लोड रहता है, या तो ये लेंथ फ्री लेंथ ज़्यादा रहती है कंपेयर टू दिस डायामीटर, तो वहाँ पे बकलिंग होने का चांसेस है। तो फ्रेंड्स, ये था पूरा चैप्टर, ठीक है, स्प्रिंग के बारे में। तो अगर आपको ये अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट में मुझे लिख के बताइए, मैं 100% उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।